अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अपना प्यार अपनी सगाई तोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं। मेरी लव स्टोरी को बेरहम सेंसर की तरह कैंसर काटने वाला है। मैं जा रहा हूं, बस 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 कर आशीष, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे मुझे छोड़कर मत जा आशीष, मत जा। संभालो अपने आप को कानपुरी। अरे कैसे संभालू, मेरे दोस्त को पहला कैंसर हुआ है, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मौके पर मैं क्या बोलूं। देख तू अंदर कुछ मत रख, जो भी है सब बाहर निकाल। ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। कानपुरी नहीं, ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। आगे नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है। चौके, मेरे मरने तक तू शायर जरूर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मतलब आई मीन सेकेंड ओपिनियन। देख हम हिम्मत नहीं हारेंगे, फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने। जग अभी जीता नहीं है, तू अभी मरा नहीं है, विदेश चलते हैं, मैं चलूंगा तेरे साथ है। अमेरिका में न्यूयॉर्क, डिज्नीलैंड, लॉस वेगस, कैसीनो, ये सब जगह नहीं जाएंगे। अगर टाइम मिला तो जाएंगे, वरना तो हम इलाज करवाने जाएंगे ना। ये सब पैसे की बर्बादी है, देश से दूर जाऊंगा लेकिन मौत से कहां दूर जाऊंगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब सुनकर मेरा दिमाग जाम हो गया है, मुझे जाम लगाने का मन कर रहा है। मैं यहां मर रहा हूं और तू मजे से ब्रेड पर जैम लगा कर खाएगा? नहीं नहीं नहीं, जाम उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा वो फिर तू मेरे लिए भी एक पैक बनाना। अच्छा ओके ओके, विस्की विद हाफ पानी हाफ वाटर। इट्स ओके, समझ सकता हूं इस पोजीशन पे मेरे भाई, मैं अभी आया, बहुत जिम्मेदारी आ गई है अचानक। ये आशीष कैसे हो गया रे, तूने क्या बिगाड़ा था किसी का। तेरी मन करता है कि मैं भी 4-5 पैग मारकर बालकनी पर जाकर चीखूं चिल्लाऊं कि ऊपर वाले तू ये सब क्यों कर रहा है मेरे साथ। अरे ऊपर वाले मिस्टर देसाई क्या करेंगे, वो तो रिटायर्ड है। अबे ऊपर वाले मतलब भगवान, गॉड। तू भगवान का नाम मत ले, भरोसा उठ गया उस पे से मेरा। तेरे मरने के बाद मैं कैसे जीऊंगा, कौन मुझे चाइनीज खाना खिलाएगा, कौन हर फ्राइडे नई पिक्चर दिखाएगा, कौन उधार देगा, मेरा क्या होगा। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ना रो, तेरी ये बेशुमार दौलत, ये आलीशान फ्लैट, ये जायदाद, ये सब मैं कैसे मेहनत करूंगा। तूने कैसे सोच लिया कि मेरे मरने के बाद ये सब तेरा है? मेरी बहन है, रानी है। ओह माय गॉड, क्या बीतेगी उस पर। रानी को तूने बताया? नहीं यार, मैं जानता हूं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तू सही कह रहा है, पिछले साल उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था जब उसने सुना था तेरा कुत्ता मर गया है। कानपुरी, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत चाहती है, वो जीते जी मुझे छोड़ नहीं पाएगी और मरने के बाद भूल नहीं पाएगी। मुझे डर है कि कहीं मेरे लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अरे जा जा इडियट, अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि रानी जैसी लड़की, तू जैसे आवारा बदमाश शराबी कबाबी, क्या बकरे हो। अरे तू जैसे बच्चलन सेक्स के भूखे भेड़िए के लिए रानी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी बे। अबे कानपुरी के बच्चे, तुझे मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? लगते नहीं हो, लगो, हो नहीं बनो। इतने बुरे आदमी बनो कि जिस गली से गुजरो सारी शरीफ लड़कियां अंदर चली जाए और चालू लड़कियां बाहर आ जाएं, और ऐसे रंगीन कपड़े पहनकर जाना कि दुनिया के सारे डिजाइनर्स चकरा जाएं, ताकि रानी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, तुमसे नफरत करने लगे, तब तुम्हें भुला पाएगी वो। You're right. मैं खुद ही अपनी मोहब्बत का गला घोट दूंगा। मेरा गला तो छोड़। ग्रेट आइडिया कानपुरी। ले पकड़ खंभा, दो घूंट में तुझे दिखने लगेगी मेनका और रंभा। यार ये मेरे से नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, टू मच हो जाएगा। अरे यार तुझे एक्टिंग ही तो करनी है, चल मैं तेरे लिए गुड लक मंत्र पढ़ता हूँ। ओम शराब बंदरा स्कॉच बिस्की स्वाहा, लड़की का दिल टूट जाए स्वाहा, जरा पलट जा स्वाहा, तेरी सगाई टूट जाए स्वाहा। जय माता दी। पुत्र
तो गिर गया, आजा आजा। गिरा वो आदमी गिरेगा नहीं तो खड़ा हो जाएगा। जय माता दी। सासू बड़ी अच्छी लग रही है। जय माता दी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सासू। जय माता दी। पास। जय माता दी। और पास। जय माता दी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाकर आया है? मस्ती भरा परफ्यूम। जय माता दी, जय माता दी, ले चरणामृत पी ले। पीकर तो आया हूँ, और कितना पीऊंगा मदर इन लॉ। जय माता दी, पुत्र तू पीकर आया है? हाँ पीकर आया हूँ। क्या करेगी तू, सगाई तोड़ देगी ना? जाग तोड़ दो। ना ना पुत्र, जय माता दी, वो सब छोड़, चल खाना खा ले, आ जा। तेरे हाथ का खाना? हाँ। बकवास खाना बनाती हो तुम। जय माता दी। और वो तेल, घर के नीचे तेल का कुआं है या फिर किसी अरब के साथ अफेयर चल रहा है? जय माता दी, जय माता दी। ओए वर्दा यार, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे को चार बैग से पहले डिस्टर्ब मत किया करो, क्यों शोर मचा रखा? जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ओए अजीज, ओए बड़ा कलरफुल लग रहा यार तू। जी यू टू टू और टू नहीं फोर, दिस इज माय थर्ड। तेरे हाथ में फ्लास्क, फ्लास्क में क्या है? ओए शराब? और तूने सगाई से पहले बताया नहीं कि तू शराब पीता? आई रिस्पेक्ट यू मोर यार, चल चल कर थोड़ी सी शराब और पीते हैं। जय माता दी। चलो जी। जय माता दी, जय माता दी। शराब पीना हमारे खानदान की परंपरा है। ये देख, फ्रेंच वाइन, रशियन वोडका, ब्रिटिश बियर और दो इंडियन ठर्रा भी है अपने पास। यू नेम इट एंड वी हैव इट। और हम तो बचपन में ग्राई बॉर्डर के साथ एक एक की दारू पीकर जवान हुए हैं। तुझे पता ही नहीं कुछ कितने बड़े खानदान से जुड़ गया। बिंदास भी पीते रहो। यार तू मुझे ये शमशान भूमि में क्यों लाए हो? अरे बाबा, तू अपनी अंतिम क्रिया की तैयारी खुद कर। क्या? हाँ, और ऐसा करने वाला तू दुनिया का पहला आदमी होगा। हेलो 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 सर। हेलो हेलो, आर यू मिस्टर दलाल? नहीं सर, डी लाल। ओके, हम लोग अर्थी, समाधि, बारवा, तेरवा, चौथा सब करवाते हैं। ये मेरा कार्ड है। वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस सर। मैं शायर कानपुरी जी। हमारी फोन पे बात हुई थी ना जी, कि किसी मरने वाले की याद में या एक समाधि चाहिए, क्यूट सी, छोटी सी। और छोटी सी क्यों सर, बनाई रहे हैं तो बड़ी सी बनवाइए। इंसान रोज रोज थोड़ी इधर आता है। वैसे खर्चा क्या आएगा समाधि का? सर यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट का भाव चलता है। अगर आप 50 स्क्वायर फीट की बनवाओगे तो कम से कम 10 लाख के करीब खर्चा आएगा। 10 लाख? हाँ भैया, समाधि चाहिए, वन बेडरूम हॉल का घर नहीं। सर एरिया भी तो देखिए, स्टेशन से नजदीक है, मेन रोड से नजदीक है। कल को ये शमशान तोड़ के यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है, मल्टीप्लेक्स बन सकता है। उस वक्त जमीन का क्या भाव होगा आपको अंदाजा नहीं है सर। इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सर, मरने वाले की लाइफ बन जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें बजट का भी देखना होगा ना। जी जी, वो तो है। एक काम करो। हाँ, 25 स्क्वायर फुट का बना रहा। नहीं नहीं सर, 25 स्क्वायर फुट में मरने वाले को मजा नहीं आएगा, बहुत घुटन होगी। ये भी तो बात है जी। आई नीड माई स्पेस, मुझे खुली जगह चाहिए। आपको अपने लिए चाहिए? और नहीं तो क्या, इसके लिए थोड़ी ले रहा हूँ। अपने लिए बहुत टाइम है अभी। समाधि मैं खुद डिजाइन करके जाऊंगा। अच्छा। मरने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये लीकेज, रेनोवेशन, जैसी आपकी मर्जी सर। और सुनो, समाधि पे जो लिखना होता है ना, वो मैं सोच कर बताऊंगा। जैसे आप कहेंगे सर। चलो समाधि का तो हो गया। हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। मुर्दा जलाने के लिए ये लकड़ी तो अच्छी है ना? ऑफ कोर्स सर, आपको कैसी लकड़ी चाहिए, सादी या चंदन की लकड़ी? ऑफ कोर्स चंदन यार। हाँ। आदमी कमाता है किस लिए? क्या रेट है चंदन का? 500 रुपीज पर किलो। 500 रुपीज का किलो? मार डालोगे क्या? सर मरोगे तभी तो यहाँ आओगे। बात तो है। वैसे भी वीरप्पन साहब के जाने के बाद आजकल असली चंदन की लकड़ी मिलती कहाँ है? लेकिन चंदन की लकड़ी तो असली है ना? हाँ सर, आज तक मरने वालों में से किसी की कंप्लेन नहीं आई। और घी मिलेगा ना? प्योर घी सर, कल उसी में से घर में लड्डू बनाए हैं, बोलो तो चखाओ। आप बिंदास होकर मर जाइए सर, हम आपकी अंतिम यात्रा को एकदम सुखद बना देंगे। अभी बताओ। हाँ। ये लकड़ी कितनी यूज होगी मुझ पर? इट डिपेंड्स ऑन योर वेट। यू सी, आपका वजन क्या है?
पता नहीं, बहुत दिनों से करवाया नहीं। कोई बात नहीं सर, हमारे पास काटा है ना, बैठ जाइए इसके ऊपर। दैट्स वेरी गुड आइडिया, अभी फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। ए लड़के चल लपेट जा, चढ़ जाओ। मर कहाँ गए, अभी तो तैयारी चल रही है। ताऊ जी, खड़ा लग रहा है। ताऊ जी आगे उतार दे मुझे। कहाँ? ताऊ जी। कहाँ? अरे उतारो। ओए तू ये तराजू पे क्या कर रहा है? ताऊ जी वजन। क्या कर रहा है? विजन। आप विजन बना रहा था। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं ना ताऊ जी, तो जैसे डेड लोग यहाँ आते ना, वैसे एड लोग भी आते हैं। एक्चुअली अगले हफ्ते मैं जीवन बीमा का एड कर रहा हूँ, तो ये शमशान का लोकेशन देखने आया था। ओके ओके, पुरानी के दूर के चाचा का स्वर्गवास हो गया है। अरे कल शाम को उसका चौथा है, आ जाना उसके घर पर। जरूर ताऊ जी। वजन करा रहा है। जीवन के दो पहलू हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा सुंदर हो तो शरीर भी सुंदर होता है, और सुंदर आत्मा के लिए एक सुंदर मन आवश्यक है, और मन सुंदर होना चाहिए। तन का क्या है, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं। पर आत्मा कैसी भी हो, शरीर तो शरीर है। कोई कोई शरीर बहुत ही शरीर होता है। शरीर जितना पास आता है, आत्मा में उतना ही क्लास आता है। मगर शरीर को ये रास नहीं आता है, और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्मा को लात मारकर कहता है, वाह अति सुंदर तन, लेकिन कंट्रोल योर मन। जय माता दी, जय माता दी। ताऊ जी। अंकल, सुनकर बड़ा दुख हुआ। थैंक यू। वैसे उम्र क्या थी उनकी? 103। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। मतलब? मतलब कम से कम सेंचुरी मार के तो आउट हुए ना। ओह दैट्स सो स्वीट। वैसे बीमारी क्या थी उनकी? कैंसर। आशीष क्या लगा रखा है, कौन है ये लड़की? अरे तू मिली नहीं? नहीं। अरे रोजी मेरी नई सेक्रेटरी। कम अच्छा शरीर है सेक्रेटरी। ये तो मेरी सेक्रेटरी नहीं हो सकती है क्या? आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर आफ्टर ऑल, टॉप पे हूँ। और टॉप पे पहुँच के क्या क्या टॉपलेस फैसिलिटीज मिलती है तुम्हें क्या पता? अद्भुत। ओए आशीष, ये सब क्या लगा रखा है तूने यार? ताऊ जी के पैर छो। ओए जूंदे रहे, कपड़े पहनती रहे बस। इसे कहीं देखा है? आपने जरूर देखा होगा, पहले चांदनी बार में काम करते थे। अरे तू चांदनी बार गया था? मतलब ताऊ जी प्लीज। मतलब भाई साहब, तुम्हारी सेक्रेटरी एक बार गर्ल भी है। बार गर्ल है तो क्या इंसान नहीं है क्या? अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। वी मस्ट गो फ्रॉम हियर। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठहरो। बार में काम करती है, चांदनी बार में काम करती है, सेक्रेटरी बना लिया है। Oh, I am proud of you, यार, I am proud of you. तूने इस बार गर्ल को नौकरी देकर पूरी नारी जाति का सम्मान किया है। सरकार ने इसकी रोजी रोटी छीन ली थी और तूने रोजी को रोटी दे दी पुत्र। ओए जूंदा रहे, जूंदा रहे। कंपैशन और करेज का एक कंटेम्पररी नमूना है तू पुत्र। Oh, I am proud of you. इन पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मैं अपनी लव स्टोरी का विलेन बनने चला था, पर रानी की ये फैमिली मुझे आदर्श हीरो बनाकर छोड़ेंगे। ए जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, ऑफ कोर्स हम न होंगे, ऑलमोस्ट हम न होंगे, एट द मोस्ट हम न होंगे। कहाँ गया था तू? बाबा तेरे मरने के बाद चौथे पे प्रार्थना सभा के लिए हॉल बुक करवाने गया था। क्या? अरे तेरे मरने के बाद ऐसी श्रद्धांजलि दूंगा, आए हाय क्या श्रद्धांजलि है, कि सुन के तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा, अबे मरने के बाद मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद कैसे सुनूंगा? मुझे पता था कि तू इन लॉजिकल सवाल पूछेगा, तो एडवांस में तेरे अप्रूवल के लिए मैं ड्राफ्ट तैयार करके लाया हूँ। तो सुन, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, पीछे आवाज आ रही है? दोस्तों, आशीष खन्ना एक महान हस्ती थे। कैसा लगा? कमाल है। समाज उन्हें युगो युगो तक याद रखेगा। आप युगो युगो तक, बहुत ज्यादा हो रहा है।
एक मिनट, एक युग कम कर दूं? नहीं चलेगा, चलेगा। आशीष खन्ना अपने जीवन में कई बार जेल भी जा चुके हैं। अबे क्या बक रहे हो, जेल और मैं? आगे तो सुन, जेल मतलब आजादी की लड़ाई में जैसे गांधी जी नेहरू जी गए थे वैसे। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त जो लोग जिंदा थे उनको तूने देखा है नहीं ना, तो वो थोड़ी आने वाले चेक करने। ढक्कन पकड़। पिछले 7 साल से मैं खुद क्रांतिकारी तात्या टोपे के नाम से रेलवे में फ्री सफर कर रहा हूँ। कुछ टीटी तो अपने पैर भी छूते, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। बिंदास छप जाने दे श्रद्धांजलि को। और अंत में समापन के तौर पे मैंने एक शेर भी लिखा है। दोस्तों, आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले दाना। क्या कर रहा हूं मैं, कितना गिर गया हूं मैं। बार बार रानी को सता रहा हूं, हर बार मुझे माफ कर देती। ना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर। तोड़ दूंगा मैं ये सब कुछ, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। क्या कंट्रोल करूंगा मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। क्या है भाई, कौन हो तुम लोग, क्या घूर रहे हो भाई? कभी फ्रस्ट्रेटेड आदमी नहीं देखा है? ये जाने दे रहे, ये अपुन के शिकार नहीं है। अब तू कौन है बे? अपुन अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। हाँ हाँ, तो गाड़ी तो मेरी है लेकिन जिंदगी तो तेरी है ना। ठोक दू क्या? सॉरी, बाय बाय, टाटा, अलविदा, खुदाफिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अबे हिल मत, क्या करने दे अपुन को। लुका एक, लुका दो, लुका तीन, लुका चार। आपने मेरी इतनी सी गलती के लिए इतने सारे लोगों को मार डाला? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने शूटआउट में जान मत गवाना अन्ना। 24 घंटे चौकन्ना, गो। अरे ये चौकन्ना अन्ना, ये चौकन्ना अन्ना। अरे अरे, कमाल का डेंजर आदमी है, अपना शेर सुना चला गया, मेरा तो सुना ही नहीं। अरे मेरा भी शेर सुनते जा, गोली के पुजारे। आदाब आदाब, तो अर्ज किया है, इसे आधा दाबने को बोला, पूरा दब गया। शादी से पहले। अरे आशीष, आशीष, अरे कानपुरी, कानपुरी, तू अभी तक जिंदा है साले, मरेगा कब? अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अरे खुशखबरी सुन, मुझे कैंसर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, डॉक्टर की बात सुनने में मुझे गलतफहमी हुई थी। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, तेरे को मरना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पी पी के तेरे गम में अपनी जान गंवा रहा हूँ और तू कह रहा है मरना कैंसिल। अरे तुझे पता है कि मैं इतनी पीने लगा हूँ कि हिंदी में लोग मुझे देवदास और इंग्लिश में बेवड़ास पुकारने लगे। साले तू तो कैंसर से बच गया, लेकिन मैं तो लिवर फटने से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे मरना पड़ेगा, सॉरी ये चीट। अरे हो तो यार, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, अब तू एयरपोर्ट जा, 3:40 की फ्लाइट से देविका दीदी आ रही, 4 बार फोन आ चुका है, जा। ओह माय। अरे तू एक काम कर, हाँ। दीदी को तू रिसीव कर, हाँ। और उन्हें सारी बात बताओ, हाँ। मैं रानी से मिलने जा रहा हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है ठीक है, हाँ। साला मरेगा।